हाय गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 जो कि सभी को मालूम हो गया कि हमारा परीक्षा 23, 24, 25, 30, 21 अगस्त 2024 को होने वाला है, लेकिन इन पांच चीज़ों को जिसे नहीं ध्यान दिया तो शायद अपने एग्जाम सेंटर से या एग्जाम हॉल से आपको बाहर निकल जाएगा। तो इन पांच चीज़ों को ज़रूर आप देखिए और एग्जाम सेंटर पर पहुँचने से पहले अपने पास प्रिपरेशन करके ही जाइए, नहीं तो आपको शायद एग्जाम से आउट कर दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बात करते हैं इन पांच चीज़ों, कौन से चीज़ें जो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको मालूम हो गया कि एग्जाम सिटी कौन सा है हमारा, एग्जाम डेट मालूम हो गया, आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। इस प्रकार विशेषकर आपको कितने समय पहले पहुँचना है एग्जाम सेंटर पे और कितने समय पहले आपका गेट बंद कर दिया जाएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा इस बार बायोमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एग्जाम सिटी पे। तो फ्रेंड्स, सभी को मालूम हो गया कि हमारा किस शहर में है एग्जाम, तो आप अपने अभी से अपने संसाधनों का व्यवस्था कर सकते हैं, ट्रेन या बस या अपना पर्सनल कोई व्हीकल है उसके माध्यम से अपने एग्जाम सिटी एक दिन पहले पहुंचिए। दूसरी बात, पहचान पत्र आपके पास, पहचान पत्र बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं है तो अभी से जाकर आप ई आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ आपके पहचान पत्र होना चाहिए। चौथी बात है कि आप अपने पास एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो आपका जिस दिन एग्जाम है उससे दो या तीन दिन पहले आप अपना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एग्जाम सेंटर में आपका एडमिट कार्ड और पहचान पत्र होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो एग्जाम सेंटर दो घंटा पहले पहुंच जाइए, अन्यथा आप एग्जाम सेंटर से आप बाहर कर दिया जाएगा, आप एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बार जो है गेट आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा, तो समय से आधा घंटा पहले वहां पे पहुंचिए। अगर एक भी मिनट आप लेट हो जाते हैं तो शायद आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, आपको सालों का मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा, शायद आपको जो वर्दी का सपना देखे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो आप आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर तक पहुंचिए। एग्जाम दो चरणों में होगा, फर्स्ट शिफ्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट होगा जो 10 से 12, सेकंड शिफ्ट होगा 3 से 5। तो उसी हिसाब से अपने टाइमिंग के साथ अपने पहुंचिए। अपने पास कोई अननेसेसरी सामान मत ले जाइए, सिर्फ आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन में से कोई एक ले जाइए, अपना आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड ही होना चाहिए। अननेसेसरी सामान जैसे डिजिटल वॉच हो गया या क्लाई वॉच हो गया या किसी प्रकार का ब्लूटूथ हो गया या कोई प्रकार का कैमरा हो गया, इन चीज़ों को अपने पास मत ले जाइए, जो कि अगर इन चीज़ों में आप लिप्त पाए जाते हो शायद आपके प्रशासन के माध्यम से कड़ी कार्रवाई हो। इस बार आपको बायोमेट्रिक जरूर होगा। तो अपने जगह पे कोई कोई होता है कि गलत चीज़ों में लिप्त होता है, दूसरों को बैठाने की कोशिश करता है, इस चीज़ों में मत पड़िए। बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पे पकड़े जाएंगे तो शायद आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इन चीज़ों के लिप्त मत पड़िए, किसी टेलीग्राम या किसी रिम्यूअर पेपर लीक के चक्कर इस चीज़ों में मत पड़िए। अपने आप को अपने फोकस करिए अपने पढ़ाई के ऊपर, जो कि समय बहुत कम है, शायद आप मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगा। और अभी से लग जाइए, सारे चीज़ों को त्याग दीजिए, जो आपका अमूल्य कीमत या समय मिला हुआ उसका भरपूर सदुपयोग करिए, समय बहुत कम है। इसी के साथ मैं आप लोग को बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए, जिससे मैं अपना अलग अलग वीडियो आप तक अपडेट पहुँचा सकूँ। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।